हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आतिफ मंगेश अपनी 49th एपिसोड के साथ। आज मैंने अपनी वीडियो का आगाज जिस वीडियो से किया है, इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि ये वीडियो क्या है और कैसे पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है थोड़ी बहुत, तो वो ये इवन के ऐसे एरियाज़ में भी मैंने देखा है जहाँ पे इसको बिल्कुल समझा नहीं जाता, लेकिन एज अ एक ट्रेंड के तौर पे इसको लिया गया और इस्तेमाल किया गया। और इसमें इस वीडियो को इस किस्म की जो चीज़ हैं आजकल हम इनको मार्केटिंग टर्म में और इसमें मीम्स कहते हैं, और ये मैंने क्योंकि हमारा सिलसिला फेसबुक और सोशल मीडिया से रिलेटेड आजकल चल रहा था, मैं उसके बारे में बता रहा था कि किस तरह जो फेसबुक में या सोशल मीडिया में ये जो ब्रांड्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, हम उनको फेस जो सोशल मीडिया में किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। तो उसमें मेरे तक ये वीडियो पहुंची और मुझे भी इसको हर तरफ से पहुंची, जितने भी मेरे सर्कल है सोशल मीडिया में सब ने इसको शेयर किया, अपने तरीके से इसको बनाने की भी कोशिश की और लोगों ने इसको एंजॉय किया। अब मैं यहाँ पे आज मैं इस एपिसोड में ये करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ये मीम्स होती क्या हैं और ये किस तरह बनती हैं और कैसे ये पूरे माशरे में किस तरह फैल जाती हैं। देखें, मार्केटिंग में ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप क्लासिकली पीछे जाएं तो, बल्कि अभी भी कुछ इवेंट्स के साथ साथ या किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वन लाइनर्स होते हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं जो कि ख़ास एक कल्चर को शो कर रही होती हैं और उसी कल्चर में उसको समझा जाता है या उससे पॉजिटिव या नेगेटिव ह्यूमर्स निकाले जाते हैं या कोई वो किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को किसी कोई कुछ पर्टिकुलर आप कह लें कि पर्सनालिटी को दिखाते हैं और लोगों में वो पसंद किए जाते हैं। चाहे वो कुछ लोग उसको सरकास्टिकली अपनाते हैं, कुछ लोग उसको फॉर फन अपनाते हैं और इसी तरह, लेकिन पास ऑन उसका जो स्प्रेड आउट है, जो उसका सोसाइटी में बर्न आउट है ना, कि एक से बाद दूसरा, दूसरे से बाद तीसरा, तीसरे से, वो बहुत तेज़ होता है। और अब क्योंकि मौजूदा दौर में, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसकी जो स्पीड है ना वो 100 गुना ज़्यादा हो चुकी है और वो अब कॉन्टिनेंट्स में मूव कर जाती है और लोगों से लोग हर किस्म के माशरे में वो चली जाती है। पहले ये होता था, मैं थोड़ा सा क्लासिकली इसको देख चलता हूँ, जैसे मैस्कॉट्स होते थे, वो भी मीम्स थी अपने उसमें, किसी इवेंट के लिए हम कोई स्लोगन्स बना लेते हैं, वो भी मीम्स होती हैं कि कुछ कंपनियों के आपने देखे होंगे कि उनके जो स्लोगन्स होते हैं वो माशरे में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे आपने पेप्सी का देखा, कोका कोला का देखा, वो हर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा लाइनर माशरे में फेंकते हैं कि वो हर किसी के मुंह में आना शुरू हो जाता है, हर कोई उसको बोलना शुरू कर देता है, कुछ उसको उसकी उससे फ़न क्रिएट करते हैं। और हो सकता है कि, लेकिन हो क्या रहा होता है कि कोई ब्रांड प्रमोट हो रहा होता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर एक आदमी एक खुद चलता फिरता ब्रांड बन चुका है, उसको माशरे में सोशल मीडिया में अपने आप को सामने लेकर आना है और कंपनीज़ को भी उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, उन्हीं जो सोसाइटी एलिमेंट्स हैं ये मीम्स वगैरह, उन्हीं को यूज़ करते हुए अपनी प्रमोशन भी करनी है और उसका सहारा लेना है। बेसिकली जो शोबिज़ के लोग हैं उन्होंने भी अब इन्हीं सोशल मीडिया टूल्स का सहारा लेना है। शुरू में आपने देखा कि बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे या वो थोड़ा सा डिग्रेड्स करते थे, डिग्रेडेड समझते थे कि जी टिकटॉक पे कोई लोग जो स्टार्स हैं वो कह पता नहीं कौन है, या सोशल मीडिया पे या यूट्यूबर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा ऐसा देखा कि उनके, मैंने कई एक्टर्स का देखा कि उनका जो फॉलोअर्स हैं वो टिकटॉक पे बहुत कम है और जो एक बेचारे आम घरों के लोग हैं और अपनी अच्छी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तरीक़ों से जो भी वो फ्रेंडशिप हासिल कर रहे हैं वो उनके बिलियंस में, मिलियंस में लोग नज़र आते हैं।
बहुत सारे स्टार्स इमर्ज हो रहे हैं इस तरह के। अब आपने देखा कि एक शिफ्ट आपने देखी होगी पूरे मीडिया में कि अब जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो भी उन्हीं सितारों का, उन्हीं टिकटॉक स्टार्स का या यूट्यूबर्स का सहारा लेके अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा चलता है सब कुछ। तो अब मैं मीम्स पे वापस आता हूँ। तो आपको मैंने बताया कि ये क्लासिकली भी चलती थी। पहले क्या होता था कि पहले ये इनका स्प्रेड जो था वो किसी एक कम्युनिटी के अंदर रह जाता था, कि जैसे कि कोई एक ख़ास लैंग्वेज है तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोई टेक्स्ट हो या सेंटेंस ही हो, ये कोई ग्राफिक भी हो सकता है, ये कोई फ़ोटोग्राफ भी हो सकती है जो किसी ख़ास एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, किसी ख़ास ह्यूमर को रिप्रेजेंट करती है। और वो ह्यूमर या वो एटीट्यूड सिर्फ उस सोसाइटी में रहने वाले लोग, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जहाँ से ये इमर्ज हुई है, जैसे कि अब उसको ज़रा एक्सपैंड कर दें कि आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बहुत सारी क्लास में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई कुछ ऐसा बोल जाता है कि वो पूरी हर किसी पूरी क्लास के मुंह पे आ जाता है, वो भी मीम है। तो लेकिन अब वो क्या है, सिर्फ कौन जानता है उसको, उसको उसका मतलब, उसके पीछे जो ह्यूमर है या कोई उसके पीछे जो वाकया है या कोई इवेंट है, वही लोग जानते हैं। उस क्लास के जो 36-45 लोग होंगे, 40-50, वो जानते होंगे। और वो जब भी उनके सामने वो चीज़ बोली जाएगी या तस्वीर दिखाई जाएगी तो वो हंसेंगे। इट्स अ बेसिकली मीम आपको आपके अंदर एक सोसाइटी एक क्या एहसास डेवलप करती है। वो ह्यूमर भी हो सकता है, वो सैडनेस भी हो सकती है, वो कोई मायूसी भी हो सकती है। तो अब जो ये मेरे स्क्रीन पे साथ साथ आप देख रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ मीम्स हैं, जैसे ये शक्ल आपने देखी होगी, ये बहुत पुरानी और सबसे सक्सेसफुल मीम है जो नेट पे चली। हर किसी ने इसको यूज़ करने की कोशिश करी अपनी तस्वीर के आगे लगाने की। इसका मतलब क्या, इसका मतलब किसी को नहीं पता, लेकिन ये चली। अब होता क्या है कि इस अब ये जो कीप काम वाली आपको नज़र आ रही, ये भी देखें कि ये कितने लोगों ने, फिर एक आई, फिर उसने अब लोगों ने इसमें अपने वर्ड्स ऐड किए और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है कि जब एक मीम माशरे में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है तो फिर ब्रांड्स और उस आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। पहले देखें ना, अब एक शक्ल है, एक ख़ास शक्ल, आप अगर आप पुराने 90s में या उस, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे लाइनर्स होते थे जो हर कोई अपनी गाड़ी के शीशों पर लिखवा लेता था। कुछ शक्लें होती थी वो अपने गाड़ी पे लिखवा लेते थे, अपने घर में लगवा लेते थे। फिर क्या होता था कि जो कोई जो बिजनेसेस हैं उन्हीं शक्लों को, उन्हीं निशानों को, सिंबल्स को या कोई वो है तो उनको इस्तेमाल करता था, टी शर्ट्स बना लेता था, कैप्स बना लेता था। तो क्योंकि लोग उसको, माशरा उसको एक्सेप्ट कर रहा होता था फॉर फन और फॉर ह्यूमन फॉर एनीथिंग, तो वो उसकी सेल बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से अब उसको आप सोशल मीडिया के ऊपर लेके आ जाए, तो सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में अब हर कोई, जैसे ही कोई कोई फिक्रा, कोई तस्वीर, जैसे ये साहब आपको याद होंगे क्रिकेट के हवाले से कि ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए थे, हर किसी ने इनको हर जगह खड़ा करने की कोशिश की, तो ये आपको याद होंगे, ये भी एक मीम थे। और फिर इसी तरीके से कंपनीज, आपने देखा सोशल मीडिया में, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि लोग अब खुद एक चलते फिरते ब्रांड हैं, उन्होंने अपने आप को भी प्रमोट करना होता है सोशल मीडिया में कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात तेज़ी से पहले। हैशटैग्स का नाम आपने सुना होगा, तो मीम फिर कन्वर्ट होते हैं हैशटैग्स के ऊपर, क्योंकि जैसे अब ये जो वीडियो मैंने शुरू में दिखाई, अब ये पार्टी हो रही है, पारी हो रही है, जो भी इसको कह रहे हैं, एक ख़ास एटीट्यूड है, एक ख़ास लैंग्वेज स्टाइल है, कई लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया, कई लोगों ने इसको नेगेटिवली सार्कास्टिकली उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ये एक ख़ास क्लास के लोग किस तरह बोलते हैं, या उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, या जिसने भी किया, जिस तरह भी किया, जिस तरह बाद में पता लगा कि वो जो खातून है
वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, यंगस्टर है, और उसको उसने ये क्लेम किया था कि ये इस तरह ही इस मीम को मैं फैलाऊंगी, और उसने करके दिखाया। आई डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है, लेकिन मुझे सुना है कि उसने क्योंकि लेकिन मैंने देखा है कि उसके बाद उस खातून के जो फॉलोअर्स हैं बहुत तेज़ी से हुए। ऐसा ही होता है, आप किसी भी चौक पर जाके उल्टा खड़े हो जाएं, कल दूसरे दिन आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें होंगी और आप एक मीम बन जाएंगे। तो यही तरीका है आजकल ना, लोग इसी वजह से टिकटॉक वगैरह में भी आप देखेंगे लोग ना ये भूल जाते हैं, ये ख्याल नहीं रखते कि ये जो हम हरकत कर रहे हैं ये अच्छी है या बुरी है। आप देखेंगे कि चाहे वो बुरी करता है चाहे वो अच्छी करता है, आप चाहे वो एथिकल है नॉन एथिकल है, लेकिन जो उसका मकसद होता है कि उसको उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, उसकी उसकी फॉलो लाइकशिप उसकी बढ़ जाए, तो वो तो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब माशरे में उसका जो अच्छा कंटेंट था या बुरा कंटेंट था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उसके फैनशिप होती है हर जगह हर चीज़ की। अगर कोई आप गलत काम भी कर रहे हैं तब भी आप, अगर आपको 1 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं तो आप कामयाब हैं, ठीक है। आप चाहे वो बुरे ही हैं लेकिन लाइक का वर्ड तो है ना, लाइक तो किया नहीं किसी ने, कमेंट्स जैसे मर्जी हैं। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ, फिर क्या होता है कि जैसे अब ये जो लाइनर्स थे पार्टी हो रही है कि, तो इसको अब फिर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया हर किसी ने, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं भी हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, तमाम ने इसको एज अ फन अडॉप्ट किया और उसको बनाने की कोशिश की, रीजनरेट करने की कोशिश की अपने अंदाज में। फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा था तो वो अपने आप को भी प्रमोट करने में कामयाब हो गया। फिर आपने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स ने भी करने की कोशिश की, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है, उसके बाद बांग्लादेश में, अरब कंट्रीज़ में, फिर उसके बाद इधर भी वेस्ट में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया और अपने तरीके से वो किया। तो फिर अब जब ब्रांड इसमें आएंगे तो वो क्या कर सकते हैं। अब मैं अगर अपने बिज़नेस को करना चाहूँ तो मैं इसी किस्म की एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं एग्जैक्टली यही सब कुछ करूँगा और इन द एंड में अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस कर दूँगा। क्योंकि हैशटैग वो चल रहे हैं, क्योंकि मैं उस वक्त वो माशरे में बर्न हो रही है, बुरी तरीके से फैल रही है, तो वो आपका भी कंटेंट जो है उसके सहारे माशरे में एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको जानने लगेंगे। तो ये फ़ायदा होता है मीम्स का। इसकी एकेडमिकली 7-8 किस्में हैं मीम्स की, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं इसको जनरल लेवल पे रखना चाहता हूँ कि ये क्या होती हैं। फिर किसी वक्त मैं इसको एकेडमिकली इन मीम्स को एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस किस्म की होती हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स होती हैं। तो लेकिन इस वीडियो को मैं सिर्फ एज अ फन, और आप कह सकते हैं कि अगर मैं भी, क्योंकि एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपनी वो फॉलोअरशिप बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए इस सब्जेक्ट को और अपने सब्जेक्ट को मिलाकर एक वीडियो क्रिएट कर दी है। अब मेरे हैशटैग्स में ये आ गए हैं, हो सकता मैं दो आई एम वेरी लेट इन इट, बट फिर भी शायद हो सकता है कि अभी भी उसका, क्योंकि ट्रेंडिंग में मैं देख रहा था कि उसका ट्रेंड काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो मैं जब यही सेम हैशटैग्स और इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँगा तो हो सकता है कि मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए। तो ये इस किस्म के फ़ायदे ब्रांड्स भी उठाते हैं। अगर बहुत अब कल को अगर पेप्सी आ जाए, पेप्सी भी अगर यही टोन और यही मीम को इस्तेमाल करके करें तो उनका भी ब्रांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर यही कोई रियल इस्टेट का कंपनी है और वो कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही है, तो अगर वो बाहर उसके खड़ी हो जाए और अपने आप को दिखाएं वो साहब, और फिर अपनी टीम को दिखाएं, और फिर अपने उस रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाएं, तो क्या होगा कि लोग फन में वो उनका वो प्रोजेक्ट भी स्ट्रीमलाइन में आ जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है मीम्स का। मीम्स हमेशा से बनती हैं, हमेशा स्कूल के लेवल पे बन जाती हैं, यूनिवर्सिटियों में होते हैं, सिर्फ वही लोग जानते हैं। अब देखें ना कि बहुत सा, आप किसी भी माशरे में जाएँ ना, जैसे अब हम यहाँ वेस्ट में, तो हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सर से गुजर जाती हैं जब ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं,
तो इनके अपने ह्यूमर्स होते हैं, इनकी अपनी मीम्स होती हैं जो ये जानते हैं हम नहीं जानते हैं। तो इसी तरह जब गोरा कोई पाकिस्तान में आएगा तो वो अगर उसके सामने अगर आप यही कहेंगे कि पॉटी हो रही है या बुहारी हो रही है या जो भी हो रही है, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन बाकी जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए होंगे या कोई हमारे खत्ते के बैठे होंगे, वो एकदम हंस पड़ेंगे, खिलखिला पड़ेंगे, तो वो परेशान हो जाएगा कि पता नहीं इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है या क्या हुआ है, लेकिन जब तक उसको पता नहीं लगेगा। तो ये माशरे में इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं हर माशरे में होती हैं और हमेशा से हो रही हैं। अब वो तेज़ी से बर्न आउट हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया है और उसको एक मिनट में अगर आपने उसको फेसबुक पे आपके 5,000 फॉलोअर्स हैं, अगर आपने उसको शेयर किया है तो वो 5,000 लोगों तक पहुंच गया, उन 5,000 ने अगर 5 भी उसको शेयर कर दिया है तो वो आप उसका मैग्नीट्यूड देख लें कि वो कितनी तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैलेगी और बाज़ को अच्छी लगेगी। जिनको अच्छी लगेगी वही उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, रीजनरेट करके उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे, या जस्ट फॉर फन, या फिर जब वो ब्रांड्स तक पहुंचेगी, कंपनीज तक पहुंचेगी, तो वो उससे ब्रांडिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनको हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए जो अच्छी होती हैं। तो ये चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता था कि मीम्स ज़्यादातर हमने देखा है कि इट्स फॉर द ह्यूमर, इसको देख के, जैसे मैंने अभी आपको 3-4 दिखाई है, तो ये इनको देख के आप में एक खुशी आती है, अब एक ख़ास एटीट्यूड ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के अंदर, एक आप रिलैक्स होते हैं थोड़े से कि अच्छा इसने भी ये बना लिया है, अगर अच्छा इसने भी बना लिया, फिर आप में भी तहरीक पैदा होती है कि मैं भी थोड़ा सा इसको रीजनरेट करके कोई थोड़ा सा ह्यूमर अपने फैमिली एंड फ्रेंड की तरफ लेके जाऊँ, अपने सर्कल की तरफ लेके जाऊँ। तो वो एक जो चीज़ है वो फैलती चली जाती है, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वो चलता जाता है। यही अब यही ज़माना है, आप देखें कि डेली बेसिस पे आप मीम्स क्रिएट होती हैं, हर माशरे में होती हैं, दुनिया के हर कोने में होती हैं, कई कई का मैग्नीट्यूड थोड़ा होता है, स्कूल कॉलेज के लेवल पे चला जाता है, कई लोग अपने ऑफिसेज में, आप देखें कि ऑफिसेज में आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सिर्फ आपको पता होता है, बॉस ने कोई ऐसी हरकत कर दी फिर हर कोई उसकी नकल करने की कोशिश करेगा, या किसी ने भी कर दी, तो वो भी एक कॉर्पोरेट मीम्स भी अंदर चल रही होती हैं, फिर वो बाहर निकलती हैं, तो इस तरह ये चीज़ डेवलप होती चली जाती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और हंसते रहें इन्हीं चीज़ों से, एटलीस्ट ये मुस्कुराहट लेकर आती हैं। तो आजकल के टेंस कोरोना ज़्यादा माशरे में ये एक बड़ा अच्छा वीडियो थी, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू दैट लेडी जिन्होंने ये क्रिएट की और इतने सारे फॉलोअर्स अर्न किए। तो और जिसने भी इससे फ़न किया, जिसने भी अपना ब्रांड इससे अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश की या अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश की, इट्स अ वेरी पॉजिटिव। आप देखें ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है पूरी दुनिया, आप देखें कि जैसे मैं अब कहूँ कि इंडिया पाकिस्तान में पॉलिटिकली कितने डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तानीज आर मच माशाल्लाह टैलेंटेड, तो उनके जो कंटेंट है वो बड़ी तेज़ी से एंटर होता है इंडिया में, और लोग वहाँ के लोग उसको अपनाते हैं, फ़न करते हैं, और एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छी चीज़ है जिससे अच्छी माशरे एक दूसरे के करीब आते हैं, डिफरेंसेस ख़त्म होते हैं, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है, और कुछ यानी कि हर तरह का इम्पेक्ट होता है, हर कोई अपने तरीके से इसको परसीव कर रहा होता है। मैंने बताया ना कि कई लोग इसको जैसे कई लोग इन मीम्स को आप पे इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें तंज होगा, उसमें शायद कोई आपकी वो बुराई करना चाह रहे होंगे इससे, लेकिन नॉर्मली इन अ बिगर स्पेक्ट्रम इट्स अ फन, और फन में आप अपनी बहुत सारे कॉर्पोरेट फ़ायदे भी उठाते हैं। तो हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, आई होप यू लाइक इट, और अगर कोई आपका कमेंट है, आप मज़ीद इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आगे हम फिर इसको जो हमारा सिलसिला चल ही रहा है फेसबुक के हवाले से, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। थैंक यू वेरी मच।